आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज इफ पी कोऑर्डिनेट्स आर 2-1, क्यू, आर और एस के कोऑर्डिनेट्स दिए 4 पॉइंट्स एक प्लेन में। हमें शो करना है पी क्यू आर एक रॉम्बस है, एक स्क्वायर नहीं है और इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात, अगर हमें ये प्रूफ करना है रॉम्बस से, रॉम्बस और स्क्वायर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, रॉम्बस में डायगनल्स इक्वल नहीं होते, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि स्क्वायर में चारों साइड्स भी इक्वल होते हैं और डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि रॉम्बस है स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके डायगनल्स की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं चारों साइड्स के, अगर चारों साइड्स इक्वल आ जाते हैं तो फिर डायगनल्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और -1, क्यू के कोऑर्डिनेट है 3-4, आर के कोऑर्डिनेट्स है -2-3 और एस के कोऑर्डिनेट्स है -3 और 2। ठीक है, नाउ अब हम निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम निकालेंगे पी क्यू, फिर उसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस क्यू आर की, क्यू आर के बाद हो जाएगा आर एस और लास्ट निकाल लेंगे एस पी। पहले हम चारों साइड्स निकाल लेते हैं। तो पी क्यू की बात करेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट 2-1, क्यू के 3 और 4। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 3 में से 2 गया 1, इट मीन्स ये आ गया अंडर रूट 1 + 4 + 1 = 5, 5 का स्क्वायर 25। तो हमारी एक साइड की वैल्यू आ गई √26। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर मीन्स 3, 4 और -2 और 3 के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन अप्लाई कर रहे हैं, तो -2 - 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 - 4 का स्क्वायर। नाउ इसको भी सॉल्व करते हैं, तो -2 और -3 - 5, -5 का स्क्वायर 25 और -1 का स्क्वायर सिर्फ 1, तो ये भी आ गया √26। नाउ अब हम नेक्स्ट आर एस की वैल्यू निकालते हैं -2, 3 और -3, 2 कोऑर्डिनेट से। अगेन अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो हो जाएगा -3 + 2 का स्क्वायर प्लस -2 और -3 का स्क्वायर। इसका भी सेम वैल्यू आ गई, √26 ही आ गई। नाउ नेक्स्ट अब एस पी ले लेते हैं, -3, 2 और -1। एस पी की वैल्यू भी यही आनी चाहिए, √26, तभी ये एक मतलब स्क्वायर या रॉम्बस डिटरमाइन हो पाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, -3 - 2 का स्क्वायर हो गया और दूसरी क्या हो जाएंगी, -2 और दूसरी हमारी एस पी है -2 और -3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, ये भी हमारा -2 and this is -2 and यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 1 है पी की वैल्यू, पुट कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा -1 है तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आ गया हमारा √26। एक चीज तो क्लियर होगी, चारों साइड इक्वल है। अब बात करते हैं इसके डायगनल्स की। पहला डायगनल क्या हो जाएगा, पी आर, और दूसरा डायगनल हो जाएगा क्यू एस। इनका भी डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पी आर निकाल लेते हैं, पी आर क्या है देख लेते हैं, वैल्यूज -3, 3 और 2 और 4 हो जाएगा। तो पी आर की नहीं, पी आर 2 - 1 - 2 और 3, तो रख लेते हैं पी की वैल्यू 2 है, इसकी -2 है, ये -2 और -2 का स्क्वायर हो गया प्लस दूसरी वैल्यू 3 - -+1 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व किया, -2 और -2 - -4 - 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 + 1 = 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 √32, और √32 हमें मालूम है 5 × 2 लिख सकते हैं, मीन्स 4√2 आ गया। दूसरा डायगनल की वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट करके क्यू एस, तो -3 - 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -2 - 4 का स्क्वायर। तो -3 - 3 कितना हो गया -6 और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब -2 - 4 भी 6, 36, इट मीन्स हमारा √36 कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6√2। डायगनल्स इक्वल नहीं आए, तो रॉम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, चारों साइड तो इक्वल होते हैं लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं होते, सो ये तो रॉम्बस है, ये प्रूफ हो गया। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल बट पी आर इज नॉट इक्वल्स टू क्यू एस एंड पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस पी। इससे ये प्रूफ होता है कि ये एक स्क्वायर नहीं है बल्कि एक रॉम्बस है।
अब हमसे कह रहा है एरिया ऑफ रॉम्बस निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रॉम्बस, रॉम्बस क्या है? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, हाफ ऑफ डायगनल वन इंटू डायगनल टू, ये होता है फॉर्मूला। अब डायगनल वन डायगनल टू हम निकाल ही चुके हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? हाफ ऑफ डायगनल वन है पी आर और डायगनल टू है क्यू एस। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू 4√2 मल्टीप्लाइड बाय 6√2, 2 से कट कर लिया इसको, आंसर आ गया 12√2। और इसको जो √2 √2 कितना होता है, 2 हो जाए, 12 2 24, 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो जाएगा गिवन रोम्बस का एरिया। सो वी कैन से दिस इज आर फाइनल आंसर, एरिया हो गया और ये रोम्बस है, प्रूफ हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।